हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम लोग मोशन के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर कुछ क्वेश्चंस लिए थे। तो आज हम लोग मोशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आर, 50 किलोमीटर मोर इन द सेकेंड आर, 50 किलोमीटर इन द थर्ड आर एंड 50 किलोमीटर इन द फोर्थ आर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूवमेंट कर रहा है। फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसके बाद सेकंड आवर में फिर से 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, थर्ड आवर में फिर से 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है एंड फोर्थ आवर में फिर से 50 किलोमीटर ही ट्रैवल करता है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर इन ईच आर। प्रत्येक घंटे में वो 50 किलोमीटर ही कवर करता है। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही अगर कवर कर रहा है तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि अगर वो सेम स्पीड से ही चल रहा है तो इस तरीके का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो एक फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रहा है हर बार। तो आप चाहे उसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 50 किलोमीटर ही चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो अगर हर आर में 60 किलोमीटर कर रहा है लेकिन वो प्रत्येक घंटे में बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो इस तरीके का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्स्ट आवर में वो 50 किलोमीटर कवर कर लिया, सेकंड आवर में वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, थर्ड आवर में उसने 80 किलोमीटर कवर कर लिया, तो हर बार क्या है वो सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होता है। तो यहाँ से देखिए, स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग दो तरीके के मोशन बता देते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तब तो वो यूनिफॉर्म टाइप का मोशन है, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है, वेरिएबल स्पीड है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होगा। तो देखिए, जनरली अगर हम लोग बात करें हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही मिलते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क। तो देखिए, अगर कोई पर्सन पार्क में जॉगिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम स्पीड से ही हर टाइम जो है वो रन करेगा। वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है या स्टॉप भी कर सकता है। तो इस तरीके से उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसी तरीके से अगर एक क्राउडेड स्पीड स्ट्रीट पे, यानी कि जहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर अगर एक कार के मोशन की बात करें तो हो सकता है अगर जैसे कभी रुक भी जाए ज़्यादा भीड़ के कारण, या स्लो डाउन हो जाए या फास्ट भी हो जाए, तो वो मोशन जो है वो सेम नहीं रहता है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं, और जनरली हमें डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ पर हम लोगों ने बताया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी जो है, देखिए आपके बुक में बहुत जगह टॉपिक के बाद में जो है वो एक एक्टिविटी दी हुई है। तो ये एक्टिविटी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही है, आपके हेल्प के लिए है। इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी करते टाइम अगर कोई एक्टिविटी आ गई तो उसको स्किप कर दिया और आगे के टॉपिक पे आप लोग फास्टली चले गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपको करना भी नहीं है। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से क्वेश्चन ही है और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है।
तो एक्टिविटी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो एक्टिविटी ज़रूर आपको सोल्व करनी है। और जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बुक में टॉपिक के बाद में, हर एक टॉपिक के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, वो क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि वो भी आपकी हेल्प के लिए ही है और इम्पोर्टेंट भी है। एक्टिविटी 8.5, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1। एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हमें यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिए, टाइम इंटरवल दे रखा है 9:30 AM, उसके बाद 9:45 AM, उसके बाद 10 AM, यानी कि 15 मिनट का टाइम इंटरवल है। हर बार 15 मिनट का ही टाइम इंटरवल है। और यहाँ पर इस कॉलम में दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, एंड इस कॉलम में दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। तो यहाँ पर देखिए, 15 मिनट के 9:30 AM तक ए ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर चल चुका था, उसके बाद 12, ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये 12 मीटर चल चुका था। फिर उसके बाद 9:45 तक, यानी कि 15 मिनट के टाइम इंटरवल में ये 10 मीटर चला है, और ये 19 माइनस 12 यानी कि 7 मीटर चला है। ठीक है, ये 10 मीटर चला है और ये 7 मीटर चला है। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ये फिर से 10 मीटर ही चला है, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर ही चला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ये ए ऑब्जेक्ट जो है ये 10 मीटर चला है, और ये जो है यहाँ पर 7 प्लस 5 यानी कि 12 मीटर चला है। यानी कि अब देखो, ये तो हर बार 10 मीटर ही चला है, और ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है बी ऑब्जेक्ट जो है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि ए जो है उसका मोशन तो है यूनिफॉर्म टाइप का, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। ठीक है, आप समझ रहे हो इससे? क्योंकि देखो, टाइम इंटरवल हम लोगों ने देखा, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, और ये तो हर बार उतने टाइम इंटरवल में, 15 मिनट के टाइम इंटरवल में हर बार 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आ रही है एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो ए ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन तो यूनिफॉर्म टाइप का है, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो हर बार डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है उसका डिस्टेंस। उसके बाद है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो देखिए, रेट ऑफ मोशन क्या है, जिसको हम लोग स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, वही है रेट ऑफ मोशन। जैसे कि देखो, टीवी के अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है, टीवी के अंदर मैच चल रहा है, और नीचे की साइड में बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आर में आ रहा है, 140, 143, 135 है ना, बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेट ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक चल रहा है ये है रेट ऑफ मोशन। लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आर इन फिगर 8.2 ए, वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? वॉट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2 बी? इसके अंदर देखिए, ये जो 8.2 बी है, यहाँ पर स्पीड लिमिट दे रखी है 50 किलोमीटर पर आर, 40 किलोमीटर पर आर। तो इन सब से क्या मतलब है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने में डिफरेंट टाइम लगा सकते हैं। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ मूव देम स्लोली। कुछ फास्ट मूव करते हैं और कुछ स्लो मूव करते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये रेट ऑफ मोशन को बताने का एक
जो मेजर करने का एक जो मेथड है वो ये है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बता सकना, ठीक है। ये अगर हम लोग कवर कर बता चेक कर लें तो हम बता सकते हैं कि उसकी रेट ऑफ मोशन क्या है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हमें मेज़र करना होता है। यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि 15 मिनट में वो 15 मीटर चला है, 15 मिनट में 15 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड कैसे बताएंगे हम लोग। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर, टाइम कितना है 15 मिनट, तो ये यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हम लोग 15/15 इक्वल्स टू 1 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये जो है यहाँ पर तो इस तरीके से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं जो SI यूनिट है ना वो उसके अंदर हमेशा सेकेंड टाइम जो है उसको सेकेंड में ही मेजर किया जाता है, इसलिए इसका जो SI यूनिट है स्पीड की वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड्स सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आर। ये भी उसकी यूनिट हो सकती है पर जनरली मीटर पर सेकेंड में ही शो करते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड को हम लोग बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बताना होता है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नहीं बताना होता है यहाँ पर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहे। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली जितने भी हम मोशन हमारे चारों ओर देखते हैं वो सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. तो generally हम लोग जैसे कोई भी कार है तो कार अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और जयपुर तक जाती है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट जर्नी जो है वो सेम ही स्पीड से चली है, उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। लेकिन जनरली हम लोग बता देते हैं ना भाई टोटल, हम लोग उसकी एवरेज बताते हैं। अगर आप बताते हैं कि भाई कार जो है वो अगर इतने की स्पीड से लेके जाए तो इतने टाइम में हम लोग जयपुर पहुँच सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती है। वो जो वैल्यू बताते हैं वो हम लोग एक तरीके से एवरेज लेके बताते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके जयपुर तक की, वो मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर मान लो कि अगर 300 किलोमीटर है, मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर है और उसको चलने उसको टोटल कवर करने में हमें 5 आवर लगे हैं, ठीक है। तो उसको उसकी एवरेज, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कभी बीच में रुके ही नहीं होंगे या सेम स्पीड से ही कभी तेज़ भी की होगी, कभी धीरे भी की होगी, कभी रोकी भी होगी कार को। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोशन आपका यूनिफॉर्म ही रहा है, लेकिन फिर भी स्पीड जब हमें पूछी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 300 किलोमीटर को अगर 5 आवर में अपन ने कवर किया तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जनरली एवरेज स्पीड ही बताते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट्स इट्स स्पीड वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को आप टी से डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बट आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाई एन एग्जाम्पल। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। Its average speed is 50 km per hour. The car might not travel at 50 km per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this.
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वो 50 किलोमीटर पर आर से चली है, लेकिन टोटल वो 100 किलोमीटर चली है 2 आर में, इसलिए उसकी एवरेज बता देते हैं 50 किलोमीटर पर आर। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आज का टॉपिक। इसके अंदर हम लोगों ने पहले तो मोशन के दोनों टाइप देखे हैं, किस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद डिस्टेंस सॉरी उसके बाद स्पीड के बारे में हम लोगों ने देखा है, किस तरीके से स्पीड को मेज़र किया जाता है। जनरली हम लोग एवरेज स्पीड ही मेज़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके आगे के टॉपिक लेंगे, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो समझ में आया है आपको, अगर आज का टॉपिक समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और पास ही में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कर देना। उससे क्या होगा, आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आ जाएंगी।